सोनी टीवी के पॉपुलर हिस्टोरिकल शो पेशवा बाजीराव में व्यूवर्स तैयार हो जाइए एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के लिए। हमारी पेशवा बाजीराव ने आते ही अपने गांव को सुधारना शुरू कर दिया है। पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा कि किस तरह बाजीराव कृष्णा भट्ट के विरुद्ध जाकर एक कन्या को देवदासी बनने से रोकते हैं। दरअसल काशीबाई और बाजीराव दोनों ही मंदिर की तरफ निकलते हैं। मंदिर जाने से पहले राधाबाई इन्हें वॉर्न करती है कि ये पेशवा के परिवार से हैं, इसीलिए इन्हें समाज में आदर्श स्थापित करना है। जैसे ही बाजीराव और काशीबाई मंदिर पहुंचते हैं, बाजीराव को एक कन्या की रोने की आवाज आती है। बाजीराव देखते हैं कि एक माता पिता अपनी बेटी को उसकी मर्जी के खिलाफ देवदासी बनाने में तुले होते हैं। बाजीराव इन्हें रोकते हैं, उनसे कहते हैं कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि उसे देवदासी नहीं बनना, उन्हें अपनी बेटी को शिक्षा देनी चाहिए और अपनी मर्जी से अपना वर चुनने का अधिकार भी। लेकिन तभी वहां कृष्णा भट्ट जी पहुंच जाते हैं और वो बाजीराव से कहते हैं कि भले ही वो पेशवा के परिवार से हो, उन्हें किसी की निजी जिंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर बाजीराव कृष्ण भट्ट जी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इसे सुनने के बाद कृष्ण भट्ट जी का मुंह बंद हो जाता है और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, यदि इस कन्या के माता पिता की भी मर्जी इसी में है तो वो इसे देवदासी ना बनाए। हालांकि ये बात कृष्ण भट्ट जी को बहुत चुभती है, वो वहां से चले जाते हैं लेकिन अपनी बेइज्जती समझकर। कहानी में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब कृष्ण भट्ट जी बाजीराव से इस बात का बदला लेने के लिए क्या करते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए और इस कहानी में और क्या होता है ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।